श्री सुजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ततो मे मंदरों विष्णु समा गच्छित प्रसन्न दी गण्य पुष्प सुता तांबूल गृहत्वा भक्ति तत्परा। भगवान जो है जिस प्रकार से पत्र पुष्प तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे किसी यज्ञ अनुष्ठान से भी नहीं होते। कार्तिक का महीना केवल भगवान की कथा श्रवण करके निर्मल भाव के द्वारा, भगवान की कथा श्रवण करके केवल तुलसी का पत्ता ही अर्पित कर देता है, पत्र पुष्प भी अर्पित कर देता है, उसी को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान में भक्ति अर्पित करते हुए चंदन पुष्प पान तांबूल जैसी अपनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकता है। यज्ञ अनुष्ठान केवल धनी कर सकते हैं, परंतु भक्ति निर्धन से निर्धन भी कर सकता है। भक्ति के रहस्य में भक्ति के महत्व को कोई भी नहीं जान सकता। भक्ति की महिमा दुर्वासा ऋषि ने स्वयं देखी थी। जब अम्बरीश पर क्रोधित हुए थे तो राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि को ही नष्ट करना चाहा। इसलिए हमेशा जब भी हूं नाम कीर्तनम विष्णु, भगवान का जब भी समय मिले नाम संकीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम अदारा सुमर सुमर नर उतने ही पारा, केवल भगवान का नाम ही आधार है। और युगों में तो हमें कितनी महत्वता रहती थी, कितने हजारों वर्षों तक यज्ञ करने से तपस्या करने से तब परमात्मा प्राप्त होते थे, 10,000 वर्ष करते थे। सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में नियम व्रत अनुष्ठान, द्वापर युग में भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा, और कलयुग में केवल नाम जप कथा श्रवण, इनसे परमात्मा प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि और युगों के व्यक्ति जो होते हैं ना कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, कहते हैं प्रभु हमें कलयुग में जन्म मिल जाता, हम आपका नाम जप करके आपको प्राप्त कर लें। फिर भी क्या है कि हम संसार में इस केवल प्रपंच में फंस करके भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। पता है हम प्रत्येक व्यक्ति धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आज के समय पर सबको पता है, बातें सभी करते हैं कि अब उम्र नहीं रही। इस समय ना जाने जवान व्यक्ति की भी नहीं पता अभी बातें कर रहा थोड़ी देर बाद है कि नहीं है। कलयुग का प्रभाव आ चुका है पूरा, केवल भक्ति की वजह से रुका हुआ है। नहीं, कलयुग के चरण टिक चुके हैं, और जिस समय कलयुग पूरा आएगा उस समय तो कथा कहीं आपको सुनाई नहीं देगी। भयंकर कलयुग में कहा जाता है कि आपको कहीं कोई मंदिर दिखाई नहीं देगा, कोई नाम जब दिखाते वो दिखाई नहीं देगा, किसी के मस्तक पर टीका दिखाई नहीं देगा। उस समय परम आयु 15 वर्ष हो जाएगी। आज से 50 वर्ष पहले देखो, 100 वर्ष से पहले कोई व्यक्ति जाता नहीं था, 80-90 के तो आम चीज थी। जब तक उनकी लाठी के सहारे से नहीं चलते, कमर झुक नहीं जाती थी, तब बुजुर्ग कहा जाता था। और आपके ही सामने अब छोटे छोटी उम्र पे जा रहे हैं, 40-45 वर्ष तो ऐसी हो गई है। 30 के बाद में लोग डरने लग जाते हैं, ना जाने कौन सी बीमारी बन जाएगी जिसके कारण जल्दी जाना पड़े। 50-55 हो गई है अब। ये केवल कुछ दिनों में बदला है। अभी कलयुग को 5.5 हजार वर्ष हुए और 4,27,000 वर्ष बाकी है, तो बताओ उतने समय तक कितना क्या होना है। अभी से इतने पाप हो रहे हैं, परंतु धर्म भी साथ चल रहा है अभी, तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय पर हमारा जन्म हुआ है जिसमें हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मोक्ष नहीं कर सकते, कम से कम इतने पुण्य कर लो, इतनी कथा श्रवण कर लो, इतने नाम जप कर लो, इतने अच्छे कर्म कर लो कि कलयुग में जन्म दोबारा तो नहीं मिले।
जो समय चल रहा है ना इस कलयुग के लिए इच्छा करते हैं कि इस कलयुग में जो प्रथम चरण की शुरुआत है, परंतु जो दूसरा चरण आने वाला है उसमें जन्म नहीं लेना चाहिए, कि उसमें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं होगा। उस समय पर किसी को ये ज्ञान ही नहीं होगा कि भगवान क्या है। भयंकर कलयुग में कहा जाता है कि भगवान का चित्र भी दिखाई नहीं देता। केवल उस समय पर मूर्तियों की पूजा किसकी होती है, बड़े बड़े राजनेताओं की मूर्तियां पूजती हैं, जो गुंडे मवाली उनकी पूजा होती है, उनकी मूर्तियां रखी जाती है। ताकतवर होगा, अत्याचार करेगा, अपना मंदिर बनाएगा। तो इसलिए अभी से कोशिश करो, जितना बचा जाए जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि हम निकल सकें। अगर हम पुण्य कर लेंगे ना, तो अगर हम 1000 वर्ष भी भगवान के लोक का वास मिल गया तो कलयुग ही निकल जाएगा। सतयुग में जन्म हो जाए और युग में हो जाए, पर आगे के समय से बचो। परंतु फिर भी हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल जब तक कथा श्रवण करते हैं तब तक ज्ञान रहता है, घर जाके फिर उसी प्रपंच में। इससे बचने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं कलयुग में। कलयुग में बताया गया है कि सबसे पहले तो 5000 वर्ष पूरा होने के बाद दिव्य शक्तियां, जो कलयुग के 2500 वर्ष हुए थे, तब ग्रंथों में भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में आगे का भी वृतांत है, सबका, सभी धर्मों का वृतांत है कि ये होना है। और सारी घटनाएं जो हुई है ना, कि भारत इतने वर्षों तक किसका राज्य रहेगा, किस किस किसका राज्य आगे होना है, सारी घटनाएं पहले से लिखी हुई है भविष्य पुराण में। तो 2500 वर्ष पहले तक, जब कलयुग के 2500 वर्ष हो जाएंगे, ग्राम देवता, नगर देवता, कुल देवता विदा हो जाएंगे। पहले समय पर ग्राम देवता, कुल देवता, ये आपको नजर आते थे सबको। जब प्रातःकाल जगते थे तो ग्राम देवता भ्रमण करते हुए नजर आते थे सबको, प्रत्यक्ष रूप में कि यहां दर्शन दे रहे हैं। इसलिए सब व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्मोत में दर्शन करने लिए जगते थे, कोई सोता नहीं था सूर्योदय के बाद। फिर 2500 वर्ष में वो चले जाएंगे, 5000 वर्ष के बाद, 5500 वर्ष हो चुके हैं, शुरुआत हो जाएगी गंगा जी की और गोवर्धन की। जब तक गंगा जी और गोवर्धन धरती पर हैं, तब तक कलयुग पूरा नहीं आएगा। और जिस समय ये लीन हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, उस समय पर कलयुग का पूरा प्रभाव दिखाई देना है। 5 वर्ष की कन्या संतान उत्पन्न करेगी, छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाएंगे, जब उम्र ही नहीं रहेगी। पहले समय पर कहा जाता है, कहते थे कि ग्रंथों के अनुसार पहले समय पर 9 वर्ष की कन्या का विवाह होता था, और शास्त्रों में लिखा भी हुआ है, सीता जी भी 9 वर्ष की थी। वो 9 वर्ष की का विवाह होता था, परंतु गौना नहीं होता था। पहले विवाह इसलिए कहते कन्या दान का फल मिले, फिर विवाह, फिर गौने के लिए 15-15, 20-20 वर्ष तक इंतजार करते थे। विवाह होने के बाद रिश्ता हो जाता था, जिससे कन्या का भी चित्र रहे, कन्या को ध्यान रहता था कि मेरे पति हैं, पति को रहता कि मेरी पत्नी है। फिर वो बच्चा जो था लड़का, वो गुरुकुल जाते थे 12 वर्ष तक। तो कहा जाता है कि गुरुकुल में रह करके सेवा करने पर तब गुरु की शिक्षा मिलती थी, यानी आज के समय पर कंठी यही मिल जाती है। 12 वर्ष तक सेवा देखते थे कि ये शिष्य कैसा है, उसको गुरु दीक्षा दें कि ये नहीं दें। फिर गुरुकुल में बिताना, फिर गुरुकुल से आकर के, जब गुरुकुल से आते थे फिर माता पिता कहते, पुत्र तेरी शादी हो चुकी थी, अब तेरा गोना भी होना है, अब तुझे भजन करने जाना चाहिए। भजन करने किस लिए भेजते थे, तपस्या करने के लिए, इसलिए कि आगे जो आने वाली संतान है हमारी, वो भगवत भक्ताव है। तो संतान उत्पन्न करने के लिए भी भजन किया जाता था, तपस्या की जाती थी, जैसे कर्दम ऋषि ने पत्नी विवाह के लिए भी तपस्या करी थी। तो संतान के लिए भी करते थे, किस लिए करते थे, कि जो संतान का हमें वरदान तप प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होगा, उससे जो संतान होगी वो भी भगवत भक्त होगी। ये सारे चित्र किए जाते थे।
16 वर्ष की अवस्था तक तो ये ज्ञान नहीं होता था कि बच्चा नग्न घूम रहा है किस अवस्था में। ये तो सुखदेव जी महाराज भी 16 वर्ष तक लंगोटी भी धारण नहीं करते, ये भ्रमण करते थे। जब उनके सुखदेव जी महाराज की अवस्था बढ़ी तो उन्होंने केवल एक लंगोटी धारण की, बाकी कुछ धारण नहीं किया। इसलिए इस कलयुग से बचने के लिए प्रभु की भक्ति को धारण करना चाहिए, जितना हो सके समय निकाल करके भगवान का नाम जप करते रहो। और आप देखना, अगर आपके मन में हर समय भगवान का नाम चलता है, जैसे आप किसी चीज से भयभीत होते हैं और नाम जप करना शुरू करो, अगर भूल जाए, जैसे याद आया तुरंत शुरू कर दो, कोई मेहनत लग नहीं रही, काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर जिस नाम को जप रहे, राधा कृष्ण शिव राधा 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 राधा, जो भी चल रहा है हृदय में चलने दो, कुछ दिनों के बाद में आपको संसार का प्रपंच बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि जब ध्यान उधर होगा तो आपका मन चलेगा नहीं प्रपंचों में, और मन बार बार भटकाएगा। इसलिए नाम जप करो, और नाम जप करने के लिए भगवान को धारण करने के लिए मूर्ति पूजा की जाती है। जब तक प्राणी की सुषुप्त अवस्था नहीं आती तब तक मूर्ति पूजा करना आवश्यक है। कई लोगों ने बहाना बना लिया है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, हमारे धर्म में ये कहा गया है, केवल एक बहाना है। उन्होंने अपने गुरु का रहस्य नहीं समझा, उनके गुरु ने जिसने परंपरा चलाई उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। वो उन्होंने किस लिए नहीं करी, कि उस अवस्था को पहुंच चुके थे, उन्होंने ध्यान किया, भगवान का भजन किया, जब उन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं रहा, और जब संसार का ज्ञान नहीं रहा गुरु मूर्ति पूजा नहीं कर पा रहा। कहते हैं जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता भगवान कौन है भक्त कौन है, तो उसे मूर्ति पूजा की फुर्सत ही नहीं रहती, जब उसे होशी नहीं है, जब उसे प्रत्येक व्यक्ति में ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ ने भगवान को कुत्ते में पशु में पक्षी में मनुष्य में सब में भगवान दिखाई देते थे, जब उन्हें सब में दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता कहां है। पर उनके शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरुजी तो कुछ करते नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, परंपरा चला दी, पर उस अवस्था को पहुंचो। तो इसलिए सबसे पहले मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे बंद कमरे में, और देखना बंद कमरे में कोई पाप होने जा रहा है, कोई हत्या हो रही है, कोई मांसाहारी भोजन हो रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है, भगवान की फोटो सामने हो तो होगी नहीं, फोटो को देख के इतना डर लग जाएगा। भगवान तो प्रत्यक्ष है, केवल एक तस्वीरें तो टंगी हुई है सामने, मूर्ति तो है पर देखिएगा भगवान देख रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए, जब फोटो में भगवान से हम इतना डर जाते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, वो तो देख रहा है ना। तो इसलिए मूर्ति पूजा करना आवश्यक है। और मूर्ति जो होती है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र मूर्ति 8 प्रकार की होती है। मूर्ति में जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा पत्थर की, काष्ठ की, लोहे की लिपी हुई, जो चित्र दीवार पर बनाते हैं, और पहले समय पर माताएं जो होती थी दीवारों पर कढ़ाई करती थी, जैसे दिवाली आ गई तो दिवाली के समय पर देवतान पर इन पर चित्रकारी की जाती थी, मूर्तियां बना देती थी हाथ से, और वो घोल जो आती थी खड़िया जैसी सफेद सी आती थी उसे घोल करके और एक बेरू घोल करके उससे बना देती थी। तो लिपी हुई और लिखी हुई, जैसे राधा नाम लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ भी मूर्ति पूजा में माना जाता है, उसके भी दर्शन का महत्व रहता है। और साथ में बालों की जो मिट्टी की बना लेते हैं, मिट्टी की, बालू की और मनोमयी, ये सब मूर्तियां तो उपलब्ध हैं, पर जो 8वीं मूर्ति है मनोमयी, वो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मनोमयी मूर्ति नहीं बन पाती, पर कोशिश करें तो एक गृहस्थी भी उसे बना सकता है, पर उसके लिए मन शांत का होना अति आवश्यक है। जिसमें मनोमयी मूर्ति, मनोमयी मूर्ति का जो भाव रहता है, आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को बनाना,
आपने मंदिर की मूर्ति देखी कितनी सुंदर है, कारीगर ने बनाई है, वो किसी कारीगर ने बनाई है सुनकर के बनाई है। चित्रकार होता है, जब चित्रकार बनाता है, जैसे किसी अपराधी के बारे में जानते हैं तो पूछते हैं वो कैसी शक्ल थी, क्या थे, नैन नक्श थे, जब वो व्यक्ति सामने बताता है तो वैसा ही बना के तैयार कर देता है। तो चित्रकारों ने भी हमारे ग्रंथों से, भगवान के नेत्र कमल है, मुस्करा रहे हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, तो ये सारे जो चित्र हैं सुन सुन करके कि संत ऋषि मुनि ब्राह्मण कथा में बता रहे, तो वैसी मूर्तियां बना के तैयार करी है और उन्होंने देखा नहीं है। और ग्रंथों में लिखा है जिन्होंने, उन्होंने केवल ध्यान किया है, उनको दर्शन नहीं हो रहे। हाँ, व्यासी को दर्शन हुए थे, व्यासी ने भागवत में लिखा था, वो सब दर्शन हुए थे उनको, वो लिख करके गए। इसलिए अगर वो नहीं लिखा होता उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमें पता नहीं होती भगवान कैसे हैं। तो इसलिए चित्रकार की बनाई हुई मूर्ति कितनी सुंदर हो जाती है, तो परमात्मा स्वयं कितने सुंदर होंगे। निधिवन में जाते हैं, निधिवन में समाधि भी बनी होती है, जिनमें एक भक्त की भी है जो पंजाब का संत था। उसे होता था कि भगवान निधिवन में जो है भगवान राजसाने आते हैं, सब लोग कहते हैं सब वृथा है, आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा कि भगवान आते हैं कि झूठ है सब। आज भी निधिवन के पास में जो घर है, दीवार लगी हुई है, दिन में खिड़कियां खुली होती हैं, पर रात के समय वो भी खिड़की बंद कर देते हैं, दर्शन नहीं करते। हाँ, कभी कभी उन्हें आवाज सुनाई दे जाती है और लोग कहते हैं कि हमने देखा है, तो निधिवन में दूर से देखते हैं, कुछ दिखाई तो देता नहीं है। परमात्मा दृष्टि तो नहीं देते ना, दिव्य दृष्टि, और जो दिव्य दृष्टि उसमें प्रवेश करने वाले को मिल जाएगी, और वहां से जो हट गया उसे तो वही धुंधला, वही वृक्ष साधारण दिखाई देंगे, वहां के जो वृक्ष है वही दिखाई देंगे, साधारण सूखे से वृक्ष हो रहे हैं, क्या है ये। परंतु दिव्य दृष्टि जैसे हरदास जी ने अकबर को दी थी, कि हम अकबर ने कहा कि प्रभु सेवा बताइए, हम सेवा करना चाहते हैं, मैं यहाँ का शहंशाह हूं। उन्होंने कहा कि हमारे घात की सीढ़ी का कोना टूट गया है, इस काली देगा इस कोने को ठीक करवा दो। उन्होंने कही छोटी सी सेवा, तो उनको दिव्य दृष्टि दे दी, तो नीलम पुखराज के वो वहां के घाट बने हुए हैं जो द्वापर युग में थे। उसने कहा प्रभु मैं सारा धन लगा दूं फिर भी ये ठीक नहीं होगा, अमूल्य है। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी अपना रूप देखने के लिए। तो जैसे उस संत को वहां पर दर्शन हुए, वो रात को रुक गया था, तो रात के समय पर आध रात्रि, रात्रि के फिक्स 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं, तो निधिवन प्रकट हुआ था, उसने पहले ही लिख दिया था शिला पर, अपने रक्त से लिख के गया था कि निधिवन प्रकट हुआ, ऐसा दिव्य तेज, ऐसा दिव्य लोक कि किसी और लोक में आ गए। बड़ा ही सुंदर, जो ग्रंथों में भी वर्णन नहीं है, और करोड़ों सूर्यों के समान भगवान श्री कृष्ण का तेज है। एक सूर्य तो क्या है, करोड़ों सूर्य मिला दो आंखें बंद हो जाती हैं। उनकी सुंदरता बहुत है, और राधा रानी तो उनकी शोभा की खान है। तो उस समय पर राधा रानी ने कहा प्रभु यहां पर हम आज महाराष्ट्र करने आए हैं, परंतु किसी प्राकृतिक मनुष्य की गंध आ रही है। भगवान तो सब कुछ जानते, का देवी कोई अपना ही होगा, पर अपना है तो सामने क्यों नहीं बुलाते। वो वृक्षों की ओट में छिपके बैठा हुआ था, उसको बुलाया भक्तराज सामने आ जाओ, भक्त को पूरे महाराज के दर्शन कराए। कहा कि प्रातः काल होते ही तुम्हारी जिब्या की शक्ति चली जाएगी और तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं रहेगा। इतना कह के भगवान अदृश्य हो गई। पट खुलने का समय था, उसने कहा मुझे होश तो रहेगा नहीं, मैं तो राधा नाम में खो जाऊंगा। तो उसने पहले ही वहां पर लिख दिया, कहते हैं 2 दिन तक केवल उससे राधा नाम के अलावा कुछ नहीं निकलता, जिब्या उसकी यदि गूंगा बहरा सा बिल्कुल ऐसा हो गया। और 2 दिन बाद उसने प्राण त्याग गए। जो भगवान के रूप को देख ले उसे तो बेसुध होना थी आवश्यक है,
तो इसलिए आप उस रूप का दर्शन अपने अंदर कीजिए, आंखें बंद कर लो और ये कथा सुन के जा रहे हो कि भगवान की मूर्ति के बारे में सताया, भगवान ने ये लीलाएं करी, भगवान में प्रकट होकर के भक्त को दर्शन दिए, ये घटना कैसे घटी होगी, उसका जैसे फिल्मकार होता है कोई स्टोरी होती है उसी स्टोरी पर कथा बनाते हैं, पूरी फिल्म बना के तैयार कर देते हैं। तो आप अपने अंदर ही फिल्म बनाओ, अपने अंदर भगवान को नया रूप दे दो, वो होती है मनोमय मूर्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र इनमें सालग्राम शिला भगवान का साक्षात स्वरूप है। सालग्राम शिला में श्री कृष्ण का पूजन होता है, सालग्राम शिला में नित्य जगत गुरु भगवान रहते हैं, सालग्राम शिला का एक बूंद चन्नामित भी जो नित्य पीता है वो पापों से छूट जाता है, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। सालग्राम शिला के समक्ष अगर श्राद्ध किया जाए तो पितर भी बैकुंठ में वास करते हैं। कभी भी श्राद्ध करते हो घर में, आप सुखार कर रहे हो चाहे घर पे बना रहे हो, भगवान को अर्पण अवश्य कर देना चाहिए, भगवान के सामने रख करके तब पितरों को दो तो पितरों को भी प्रसादी प्राप्त हो जाती है, नहीं तो सालग्राम शिला तुलसी का पेड़ जरूर रख लेना चाहिए पास में, उनके सामने अर्पित कर दो। इसमें संदेह नहीं, चाहे कैसे भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप हैं सालग्राम शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं, चाहे खंडित हो चाहे टूटी फूटी हो, कैसे भी सालग्राम शिला हो उसमें दोष नहीं होता। मंत्र पूजा विधि और भावना इनके द्वारा ही भगवान की पूजा की जाती है, सामग्री नहीं भी है तो केवल भावना के द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। कहते हैं कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते, मानसिक पुण्य लग जाते हैं, और युगों में मानसिक पुण्य नहीं लगते थे, मन में सोचने पर पाप लग जाता था, जरा सा सोचो और तुरंत पाप लगता था, परंतु कलयुग में भगवान ने कह दिया कि मन में अगर अच्छा सोचेंगे तो तुम्हें पुण्य अवश्य मिलेगा, पाप को इतना जल्दी नहीं दूंगा, परंतु जो मन में पाप सोचे जाते हैं वह अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी हो किसी के प्रति छल कपट ना रख करके सोचो, यहां बैठे हुए हैं भगवान कथा सुन रहे हैं तो मन में उत्साह रखो कि हम वृंदावन गए हैं, हमें धार्मिक अनुष्ठान जाना है। जैसे कहा जाता है कि शरीर से सब कुछ नहीं होता, मानसिक भगवान के प्रति मन को अर्पण करना अति आवश्यक है। जैसे दो भक्त थे, दो शिष्य थे, और दोनों एक दिन जो है काशी में, ये काशी घटना थी, बिहार कर रहे थे, एक बोला चलो पास में रामलीला हो रही है, पहले समय पर रामलीला रासलीला जगह जगह होती थी, ये टीवी नहीं थी और आनंद भी आता था उसमें, भाव भी बनते थे। दूसरा बोला कि पास में नृत्यका का नृत्य हो रहा है, एक तो नृत्यका के नृत्य में चला गया और एक चला गया भगवान की रामायण देखने, परंतु दोनों जगह पर दोनों को आनंद नहीं आ रहा। जो नृत्यका का नृत्य देखने गया है वो कह रहा है काम ही बोरिंग जगह पर आ गया, इससे अच्छा मैं भी रामलीला देख रहा होता, उसे आनंद आ रहा था। ये होता भी है, अगर आपके साथ में आपके परिवार का दूसरी जगह जाए, आप कहीं और जाओ, कहीं घूमने गए तो मन में रह रहा होगा कि हमें आनंद नहीं आ रहा, उसे अच्छा आ रहा होगा, ये मन में आता है, मन के विचार बनते हैं कि हमसे ज्यादा तो वो ठीक है, अच्छी जगह गया हुआ है। और उधर उस रामायण वाले का विचार आ रहा था कि अरे कहां पर ये देख रहे हैं, बीच बीच में बेकार आ रहा है, इससे अच्छा तो वहां पर होगा, और दोनों को ही प्राण निकल गए। जो रामायण में बैठा हुआ था रासलीला देख रहा है भगवान की, वो गया सीधा नरक, और जो बैठा हुआ नृत्यका का नृत्य देख रहा है वो सीधा बैकुंठ के लिए जा रहा है। दोनों ने रास्ते में भगवान के दूतों से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्राण त्याग के समय पर रामायण वाले का ध्यान नृत्यका वाले में था, क्यों वहां पर नृत्यका का नृत्य देखना था, उसे आनंद आ रहा होगा, तो उसकी जैसे कहना
जाकी मत, जैसी मती तैसी गति। तो उसकी मती वहां थी और उसका शरीर वहां पर था, पर उसका रामायण में ध्यान था, ये रामायण में क्या हो रहा होगा, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए ध्यान रखो, मानसिक भगवान की पूजा की आवश्यक है, इसलिए कथा सुनना मानसिक पूजा के लिए जरूरी है। केवल कथा में ही आनंद आता है, भजन में भी आप बैठे हुए ही यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने से दान करने से पाप दूर होते हैं। दान कहा जाता है कलयुग में अपना दशांश जरूर दान करना चाहिए, दान करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु मन में अहंकार अवश्य आता है। अगर आपने कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया, किसी को आप देते हैं, तो आपके मन में एक दिन जरूर आएगा, अरे मैं देता हूं ना इसे, ये मैंने किया, अहंकार जरूर आएगा। यज्ञ करने वालों का, मैंने इतने लोगों को भोजन करा दिया, तो जिस दिन कोई यज्ञ करता है ना, भंडारा करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो उसके मन में देखना अखड़ के चलता है उस दिन, अरे मैंने इतने लोगों को ये कराया, इतने ब्रह्म भोज कराए, आज मैं बहुत धर्मात्मा हो गया हूं, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मैं आ जाती है वहां पर, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। परंतु भक्ति जो करता है, भक्ति वाले के अंदर अहंकार नहीं आता, वो केवल सोचता है मैंने कथा सुनी है, नाम जप किया, मैंने किया ही क्या है, तो इसलिए उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थी को दान का करना, कथा सेवन करना, नाम जप करना, ये अति आवश्यक है। सालग्राम की शिला का कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए। सालग्राम शिला का मोल भाव करने वाला, परीक्षा लेने वाला प्रलय काल तक नरक की यातना भोगता है। हे नारद, इस कारण से सालग्राम की मूर्ति को कभी ना मोल लेना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। कभी भी आप जाते हैं, भगवान की मूर्ति लेकर के आते हैं, तो उसका मोल भाव मत करो। आप लेकर गए भैया, ये कितने की दी है, पोशाक की कर लो, वो तो यह है कि हम भी घर में अपने लिए खरीदते हैं, तो करते हैं मोल भाव। तो जब भगवान आ गए तो उनके सदस्य हो गए परिवार के, उनके वस्त्रों में कर लो, उनके श्रृंगार के लिए कहीं ला रहे हैं उसमें कर लो, परंतु भगवान की मूर्ति लेने में कभी मोल भाव मत करो। क्योंकि हम क्या भगवान को खरीद सकते हैं, ये भगवान का सौदा करना हो गया ना, नहीं इतने की नहीं, इतने की लगा लो। उनसे सीधी कह दो, जो मूर्ति पसंद भैया इसकी नौछावर बता दो। और ध्यान रखना, पहली बार में जो मूर्ति पसंद आ जाए आपको, उसी को स्वीकार कर लो, और आपकी भावना होगी ना, आपको स्वतः ही वैसे ही आएगी, अपना स्वरूप है जैसा बना हुआ है, वो स्वतः ही आ जाएगा। इसलिए कभी भी इनका मूल भाव ना करें। सालग्राम की मूर्ति पूजन करना 2, 4, 6 इस प्रकार से संख्या में किया जाता है, विषम का नहीं। इसी तरह से महादेव जी की 2 मूर्तियां, गणेश जी की 3 मूर्ति कभी नहीं पूजी जानी चाहिए। घर में 2 संख एक साथ नहीं रखने चाहिए, देवी की 3 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य एक साथ नहीं पूजा करनी चाहिए। अक्षतों से भगवान विष्णु पर, कहते हैं भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, भगवान विष्णु के चरणों में अक्षत रख सकते हैं, मस्तक पर अर्पित नहीं करने चाहिए। वैसे ही शंख के जल से शिवजी का और बेलपत्र से सूर्य का और तुलसी से गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। धतूरे के पुष्पों से विष्णु की, केतकी के पुष्पों से शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक के महीने में कमल के फूलों के द्वारा कमलकांत भगवान की पूजा होती है, उनके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी उनके घर में वास करती है। जिसने मालती, जूही, करसेला, चंपा इनके पुष्पों से भगवान की पूजा करी, वो मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिन मनुष्यों के द्वारा कार्तिक के महीने में अगस्त के पुष्पों से भगवान की पूजा होती है, भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। और सालग्राम की प्यारी तुलसी का महत्तम कहने में उनके महत्तम को कोई भी नहीं कह सकता। जो कोई मनुष्य मंजरी सहित
तुलसी दल से, जो तुलसी में मंजरी आ जाती है, मंजरी के समय तोड़ करके भगवान की पूजा करता है, सालग्राम को अर्पण करता है, वो माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता। जो तुलसी की लकड़ी से उत्पन्न चंदन, तुलसी का चंदन जो होता है, उसे धारण करता है, अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। जहां तुलसी वृक्ष की छाया हो, वह पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी के वृक्ष लगाना, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों समान है। कार्तिक में गंगा आदि नदियों का एक दिन जरूर स्नान करना चाहिए। सब पापों के नाश करने वाले, मनोतों को देने वाले तुलसी के वन को जो लोग लगाते हैं, वो लोग यमपुरी को नहीं जाते। तुलसी के लगाने से, पानी सींचने से, स्पर्श करने से देह मन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण व्रत करने वाले मनुष्य को एकाग्रचित होकर के हरि प्रिया तुलसी का पूजन परीक्षणा नमस्कार करें। तुलसी के आगे हाथ जोड़कर के कहे कि हे हरि प्रिय, हे तुलसी, देवताओं ने तुमको उत्पन्न किया, मुनियों ने पूजा, तुमको नमस्कार है, मेरे पापों को नष्ट करो। जो पुरुष आंवले के पत्तों से भगवान की पूजा करता है, साथ में कार्तिक के महीने में आंवले के मूल में विष्णु भगवान की पूजा करने से पुण्य क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता आंवला नहीं तोड़ना चाहिए। इन्हें तोड़ने से मनुष्य को घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिता 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। केवल द्वादशी को, रविवार को तुलसी का, आंवले का स्पर्श नहीं होता। लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि एकादशी को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एकादशी को तो पूजा होती है, तुलसी का सींचन होता है, तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है। जो मनुष्य आंवला खाता है, आंवला धारण करता है, वो साक्षर भगवान का स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी, गोपी चंदन जिसके शरीर में रहते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे, चंदन पुष्प तामूल दक्षिणा देकर के प्रसन्न करे, कार्तिक के महीने में जमीन पर सोवे, ब्रह्मचर्य धारण करे, पलाश के पत्तों में भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। भोजन करते समय अगर आपको बोलना है ना, भगवान की बातें कर सकते हैं, चर्चा, भगवान का सत्संग करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए भोजन करें, पर कोई और बातें भोजन करते हुए नहीं करनी चाहिए। भोजन, भजन, व्यायाम, जैसे आराम करते हैं, निद्रा करें, जैसे एकांत करते हैं, वैसे ही भोजन और भजन होना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के नीचे एक समय भी भोजन कर लेता है, तो उसके पूरे वर्ष के अनाज के पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्न में भी दोष लगता है। इस खेती को उत्पन्न करने के लिए अन्न खाते हैं ना, अन्न में भी पाप माना गया है। क्यों माना गया है कि इस अन्न को उत्पन्न करने के लिए कितने जीवों की हिंसा होती है, उसका दोष नष्ट किया जाता है, तभी तो दान पुण्य किया जाता है। इसको उत्पन्न करने के लिए खेती में किसान दवाइयां छिड़कते ना जाने कितने जीव मरे। फिर इसके साथ में जो घर में गेहूं रखा गया है, कई बार उसमें सोलेरी पड़ जाती है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, कई बार पिस जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो रह जाता है। और जब वो आटे में पिस जाते हैं तो उनकी हत्या का दोष लगता है, कि हमारे पेट में ही जाना है उन्हें। तो इसलिए आंवले के नीचे एक साल कार्तिक के महीने में भोजन अवश्य करें और अन्न का दान करते हैं, तो वो दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अंश प्राप्त हो रहे हैं वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए खराब जगह से उत्पन्न हुई वस्तुओं का भी कार्तिक में त्याग कर देना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में व्रत धारण करता है, उसी मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, गुरु, महात्मा, किसी वृत्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। जीव के शरीर में कभी भी जो ब्राह्मण से मोल भाव नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण से भी कोई वस्तु मोल खरीद के नहीं लेनी चाहिए।
हाँ जो व्यापारिक चीज है वो अलग है, परंतु कोई जैसे पूजा पाठ की ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो ये नहीं कि हाँ जी कितने की आएगी या कितने पैसे हो गए, मोल भाव नहीं। अगर आपको मिल रही है प्रसाद के रूप में लो और श्रद्धा के अनुसार उनको सेवा दे दो, पर मोल भाव नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में बासी अन्न, मसूर, दूध, इनमें कुछ वस्तुएं नियम के अनुसार धारण करनी चाहिए। तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, अपने लिए पकाया हुआ भोजन, ये सभी मांस के समान है। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को प्याज, लहसुन, इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। जंगली लौकी, बैंगन, पैठा, कुमड़ा, छोटा बैंगन, ये भी नियम करने वाले को नहीं खानी चाहिए। रजस वाला स्त्री, पतित, पाखंडी, ऐसे मनुष्यों से बात ना करें। दो बार पकाया हुआ भोजन, जो एक बार गर्म करके, जैसे बासी भोजन को गर्म करके खा लेते हैं, साथ में जो जला हुआ भोजन, ये नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु इस तरह से सारी वस्तुओं का त्याग कर देंगे तो मनुष्य कैसे जिएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, इनमें तिथियों के अनुसार नहीं खाना चाहिए। जैसे प्रतिपदा के दिन पैठा नहीं खाना चाहिए, आज के दिन पैठा नहीं खाना। द्वितीया को बैंगन, तीज को फूल गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली लौकी, दसवीं को कद्दू परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तांबुल, चतुर्दशी को साग, अमावस्या पूर्णमासी को नारी सब्जी, भिंडी, तोरई, ये वस्तुएं ऐसी जो नारी लिंग आती है, ऐसी नहीं खानी चाहिए। केवल इन तिथियों को ये नहीं खावे, बाकी और दिन खा सकते हैं। इस प्रकार से इन्हें धारण करना चाहिए। बुलेंद्रावन व्याली लाल की।